तो तैयार हैं और पहले भी होता रहा है, बीच में बदकिस्मती से कोविड की वजह से एग्जीक्यूशन नहीं हो सका, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया भर में हमारी पाक आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को ये मौका मिलता है कि वो अपनी तमाम जो उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं डिफेंस जो बनाते हैं, सामान बनाते हैं, इक्विपमेंट बनाते हैं, उसकी नुमाइश करने का मौका मिलता है। और इसी एग्जीबिशन की वजह से पाकिस्तान को दुनिया के बेशतर ममालिक से बहुत ऑर्डर्स मिल पाते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है, उम्मीद है कि भरपूर तरीके से कामयाब होगी और सिंध हुकूमत की जो इसमें ज़िम्मेदारी है, हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि बदर एक्सपोजिशन एक बहुत बड़ा नाम है और ये जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है इसको भी वो मैनेज कर रहे हैं, और जिस तरह पहले इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के जब ये मैनेजमेंट की और इंग्लिश की, इस वक्त भी उम्मीद है कि बड़ा सक्सेसफुल इवेंट होगा। आइडियाज़ 15-18 नवंबर एक्सपो सेंटर कराची में होने जा रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसमें हमारी तीनों फोर्सेज अपनी मसनूआत रखती हैं और सारी दुनिया के डेलीगेट्स मंदूब आते हैं और बिजनेस टू बिजनेस भी होता है और बाहमी तआवुन भी होता है, कितना इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि एक तो ये आइडियाज़ 2022 जो कराची पाकिस्तान में होने जा रहा है उससे फ़ायदा यह है, एक तो हमारी फोर्सेस सामने नज़र आती है और ख़ासतौर पर कराची के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब यहाँ पे रोशनी के शहर की बात करते हैं तो ये रोशनी के शहर और जगमगाता है और बहुत सारे डेलीगेशन आती हैं, ओवरसीज़ पर्सन आते हैं और हमारे पाकिस्तान के लिए बिज़नेस आता है और बहुत कुछ होता है। इस इवेंट को सपोर्ट करें और जिसके जहां भी हो सके अपनी कैपेसिटी में आगे आएँ और इसको फॉलो करें, इसको सपोर्ट करें। आई होप कि पाकिस्तान इसी तरह फलता फूलता रहे, क्योंकि इस तरह के एक्सपोज की हमें बहुत ज़रूरत है ताकि हमारी जो कल्चर है सारी दुनिया में सबको पता चले कि यहां पे बहुत अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं और हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियाँ और फले फूलें। आई होप कि हम सब मिल के अपने फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स और उसके बाद नेवी हम इनके साथ हैं, इनको सपोर्ट करें और हम पाकिस्तान जब इन सबको सपोर्ट करेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ विशेज है हमारे फोर्सेस को और जो भी मैनेजमेंट है। आई होप कि इस जैसे पास में ये एक्सपोज होते रहे हैं, ये आइडियाज़ होते रहे हैं, इस तरह इस दफ़ा भी हो और पाकिस्तान की और फले फूले। बदर एक्सपो सॉल्यूशन जैसे अभी हमने देखा कि KTPL सीज़न 2 हुआ, GHA दबंग ने उसको विन किया, लकीली मैं उनका मेंटोर था, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। इस तरह की फर्म्स को आप सपोर्ट करें और जैसे मैंने पहले कहा बेस्ट ऑफ लक, आई होप कि हम इसी तरह इकट्ठे होकर फले फूले। थैंक यू। नदीम उमर साहब, आइडियाज़ होने जा रहे हैं 15-18 नवंबर एक्सपो सेंटर कराची में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि आई थिंक जो पाकिस्तान के जो बड़े एग्जीबिशन होते हैं उनमें सबसे बड़ा एग्जीबिशन है ये जो नवंबर में होने जा रहा है। आइडिया देखें, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और पाकिस्तान जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए, जिसकी यहाँ पे बड़े नेबर हों, जिसके साथ इतनी जंगें लड़ी हों, उस मुल्क को इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। और हम अभी तक कितने सालों से हम सारी चीज़ें इंपोर्ट करते आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों पे इनसार है, ये हमारी फोर्सेस की कामयाबी है, हमारी कामयाबी है, हम सिविलियंस की कामयाबी है कि हमारी फोर्सेस अब अपना असला, अपना सामान जो है वो दूसरे दुनिया को दिखा रहे हैं। जो डेवलपमेंट हमने की है, जो हमने तरक्की की है, जिस तरक्की में हज़ारों लोगों, हज़ारों इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट और हमारे लोगों की का खून पसीना इसमें शामिल है, तो अगर ये दुनिया को हम दिखा रहे हैं इससे हमारी इकोनॉमी को बेहतर होगी, हमारे रोज़गार बेहतर होगा और एक हमारी जो एज कौम हमारी जो एक काबिलियत है वो भी दिखेगी, इससे हमारा जो एक शक्ल है दुनिया में वो इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर की तरफ जाएगी। और ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, सिंध गवर्नमेंट इसको फुली सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह। हमारी फोर्सेस को दुनिया में प्रोफेशनल फोर्सेस कहा जाता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो काम है वो इस आइडियाज़ के थ्रू दिखेगा और दुनिया देखेगी कि हमारे काम में और हमारी काबिलियत दुनिया के आगे आएगी इंशाल्लाह। अरबाब साहब, सिंध गवर्नमेंट तैयार है पूरी तरीके से इस मेगा इवेंट के लिए जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इवेंट है? नहीं, बिल्कुल इसके लिए तैयार भी है और पुरजोश भी है और इंशाल्लाह हमारा एक सिंध की आवाम का और सिंध गवर्नमेंट का एक ख्वाब है कि हर चीज़ में हम अपने पाँव पर खड़े हों और जब हम देखेंगे और दुनिया हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करेगी, परचेज़ करेगी, आके देखेगी, अप्रिशिएट करेगी, तो इससे ज़्यादा और कोई खुशी की बात नहीं।
और सिंध गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल तैयार है। हर इंतज़ाम, हर यहाँ जब बाहर फॉरेनर आएंगे उनके उनकी सिक्योरिटी, उनकी इंटरटेनमेंट के लिए, उनकी वो जो यहाँ के खाने से लेके यहाँ के कल्चर से लेके हर चीज़ में सिंध गवर्नमेंट अपनी तैयारी करेगी। न्यूली अपॉइंटेड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैदर हुसैन साहब मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। हैदर साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आइडियाज़ 2022 होने जा रहा है। तीनों हमारी फोर्सेस अपनी मसनूआत रखती हैं और तबादला भी होता है, आपस में ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी काम होता है। बिल्कुल नसीम भाई, ये बहुत अच्छा होने जा रहा है आइडियाज़ का और तीनों फोर्सेस साथ हैं। इसी तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी आपके साथ खड़ी भी है और हमारा स्टेडियम भी हाजिर है आइडियाज़ के लिए। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह जिस तरह पहले भी हुए प्रोग्राम, ये भी बहुत सक्सेसफुल जाएगा।